हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। सो आज का मैं ये ब्लॉग शाम के टाइम में शूट कर रही हूँ और शाम की चाय के साथ। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी चाय बना रही हूँ। तो चलिए किचन में देखिए हमारी चाय जो कि उबल चुकी है। दो दिन लगातार से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। सो ऐसे ही बस कुछ काम की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो कल आपको मेरा व्लॉग मिल जाएगा। सो अभी मैं छत पर आ गई हूँ। हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा लग रही है। तो चलिए मैं पहले आपको व्यू दिखाई देती हूँ। हमारे घर से थोड़ी दूर में वो पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बारिश के बाद बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। आपके साथ एक रेसिपी शेयर की जाए। रेसिपी क्या बोले, ऑलमोस्ट सभी घरों में वो बनती हैं और सभी ने शायद तो इनको ध्यान से तोड़ना है, जो इनका रस होता है वो आपके कपड़ों को ना लगे, नहीं तो निशान पड़ेगा, फिर जाएगा नहीं कभी भी वो। सो ध्यान से ध्यान नाल प्यार नाल और साफ साफ पत्ते लेने हैं सारे बिठा लेना है कौन सी बिठा ना भाई। तो चलिए अभी बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा पत्ता ले लेते हैं कुकर के नीचे रखने के लिए। चलिए ये वाला सही रहेगा बड़ा। इसमें मैंने डाला हुआ है ये मक्की का आटा, ये है मक्की का आटा। तो इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच चावल के आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर में चावल को मिक्सी में पीस के चावल का आटा बना सकते हैं। जो मैंने डाल दिया है मक्की का आटा, साथ में चावल का आटा और साथ में मैं ये डालूंगी बेसन। ये देखिए, इसके भी आप जितने क्रंची चाहते हो उतने उसके हिसाब से आप ये बेसन डाल सकते हो, और हमारे घर में ज़्यादा क्रंची ही खाते हैं। तो ये देखिए मैंने ये 3 बड़े चम्मच डाल दिए हैं मैंने बेसन के, और ये है पिसा हुआ धनिया, इसको भी डाल देते हैं, और ये है हरी मिर्च, ये मैंने उसमें कटर में कर ली थी, ये भी डाल देते हैं, लेकिन ये थोड़ी डालेंगे क्योंकि मिर्च बहुत तेज़ है। तो चलिए ये थोड़ी सी मिर्च डाल दी है मैंने, और अब मैं डालूँगी सौंफ, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ये गर्म होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं सौंफ। तो ये देखिए सौंफ डाल दी है, और अब डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये डाल दिया नमक और थोड़ी सी हल्दी। सो चलिए बस। तो अभी इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेना है।
चलिए पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। सो देखिए जो हमने बैटर बनाना था वो मेरा बैटर बन चुका है। आप देख सकते हो कि जो हमने सारे पकौड़े बनाए वो हमने कुकर में स्टोर कर दिए हैं। तो अब हम इसमें कुकर में थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। कोई इसे खुले पतीले में डालता है और सीटी नहीं लगवाता, खुले पतीले में डाल के नीचे पानी डाल देते हैं। और हम इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हम कुकर में डाल देते हैं और थोड़ा सा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर हम इनको दो तीन सीटी लगवाएंगे। दो ही सीटी लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। तो फिर ये हमारे पतरोड़े हैं जो बन के तैयार हो, गैस पे चढ़ा दिया है इसको, अब दो सीटी आएगी तो ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए तब तक हम रात को रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। देखिए मैंने अभी आटा लगा के रख दिया है। सो अभी इसको ढक दे। अभी आप देख सकते हो जो हमारे पतोड़े हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए पहले हम इसको एक खुले बर्तन में थाली में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो आप कि हमारे पतोड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो देखिए मैंने इसको एक पतोड़ा कटोरी में निकाल लिया है, मैं इसको खाऊंगी। इसको हम तल के भी खा सकते हैं और विदाउट तला भी खा सकते हैं। हमारे घर में दोनों तरह खा लेते हैं, लेकिन फिलहाल अब इसको हम सुबह तलेंगे। अभी इनको हमने ढक लिया है। तो ये जो कटोरी में डाला है तो मैं आप टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। थोड़ा सा गर्म है, शायद गर्म होने से मुझे मिर्ची तेज लगती है। तो अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो मिर्ची थोड़ी शायद कम लगती है, लेकिन अभी ये थोड़ा गर्म है। मैंने अभी निकाला, अभी खा रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये ओके है क्योंकि मैं तो स्पाइसी ही खाती हूँ, लेकिन बाकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मैंने डाली तो थोड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा लग रही है। बहुत टेस्टी बने हैं। सो चलिए अब जो बचा है इसको फिनिश कर लेते हैं। आज की मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैं आज ये ब्लॉग दो दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि कुछ काम था, थोड़ा नहीं डाला मैंने ब्लॉग। सो अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको मेरी जो आगे नई वीडियो होंगी वो आपको मिल पाए। सो चलिए मैं आज के ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आई होप आज का आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो तब तक बाय बाय।